शर्मा भोजन बनता था तो शुरुआती 30-35 लोगों से शुरू हुआ, 35 लोग का ब्रह्मा भोजन, और वो भी इधर उधर से सब जो आएंगे। लेकिन तब इतने स्ट्रिक्ट थे कि ब्रह्मा भोजन माना केवल ब्राह्मण ही आएंगे और कोई नहीं, वो ब्रह्मा भोजन है, बनाएंगे ब्राह्मण, भोग लगाएंगे और खाने। लेकिन फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ कि भले बनाएंगे ब्राह्मण, लेकिन ये बाबा के भंडारे का भोजन जब हम कहते जैसा अन्न वैसा मन, तो बाबा का दुनिया में प्रसाद मंदिर से लाते सारे मोहल्ले को बांटते हैं। कहाँ से लाए, पनकी गए थे, वैष्णो देवी गए थे, वहाँ गए थे, और कम पड़ जाएगा तो उसमें लहिया वगैरह और मिला के इलायची दाना बांट देंगे, थोड़ा वहाँ का खिलाएंगे। हाँ। बाकी यार तो प्रसाद का महत्व तो होता है, और इतना महत्व तो है, और यहाँ तक है कि जो प्रसाद मना कर दिया उनका क्या हुआ। तो सत्यनारायण स्वामी का जब कथा कराते हैं तो उसमें एक ये आता है चैप्टर कि राजा ने प्रसाद नहीं लिया था और प्रसाद छोड़ के कथा छोड़ के चले गए थे, तो सबको मालूम है क्या हुआ था। तो प्रसाद ना लेने का हासिल क्या होता है, तो प्रसाद माना सबको मिलना चाहिए। तो एक बार बाबा ने भी कहा बच्चे प्रसाद जो है भोग, दुनिया प्रसाद कहती है, सुबह से शाम तक जो भी आए, चाहे किसका नौकर आए, ड्राइवर आए, जो भी आए, रिक्शे से आए, रिक्शा वाला आए, आज बृहस्पत का भोग जरूर लेके जाना। वो आदत पड़ गई है कि कोई भी आए उसको भोग, क्योंकि वो आया इस दिन है। जैसे आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा हो तो जो उस दिन आएगा सबको आप क्या कहेंगे, प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ। तो इसलिए ये सब होने लगा और धीरे धीरे बाबा के बच्चे बढ़ने लगे।